नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कई दिनों से आपका लेक्चर नहीं हो पा रहा था। मैंने आपको समस्या तो बता ही रखी है, लेकिन अब थोड़ा काफ़ी हद तक समस्या का हल हो गया है और धीरे धीरे आप लोगों ने कुछ आर्थिक सहयोग किया और एक मुझे बहुत विशेष सहयोग मिला है, मेरे मित्र ही हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ उन्हें धन्यवाद करें, और उन्हें आप धन्यवाद कैसे करेंगे, मेरे मन की बात है ये, है ना, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया है ऐसे समय में आर्थिक रूप से भी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बोर्ड वगैरह लगाए हैं, सारी व्यवस्था की है, ये घर भी उन्हीं का है। तो उन्हीं का अपना एक यूट्यूब चैनल है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कराते हैं, तो चैनल का नाम है इजोटी एजुकेशन। आप लोग इस चैनल के किसी वीडियो पर जाकर या जो लास्ट की वीडियो हो उसी पर जाकर आप लोग उन्हें थैंक्स लिखें और बताएं कि आपने मेरी, मतलब उन्होंने मेरी हेल्प की, तो आप लोग उन्हें थैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो इजोटी एजुकेशन पर जाकर अब बाकी आप साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपके काम का कंटेंट वहाँ पर होगा, क्योंकि मैं कहता हूँ इंग्लिश में ही पढ़ें और इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छे से कराते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे करेंगे थैंक्स तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा मन काफ़ी प्रसन्न है। अब उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स का लेक्चर देखा है, है ना, मैंने पूरे मन से पढ़ाने का प्रयास किया है, और अब आपकी वीडियो काफ़ी तेज़ी से आएंगी, क्योंकि अब लगभग समस्याओं का निवारण हो चुका है। कुछ लोगों ने सहयोग किया आप लोगों ने, और कुछ उनका मुझे बड़ा सहयोग मिला, ठीक है। चलो चलते हैं फिर आगे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में थ्योरम करते हैं आज, एक है ना, देखो हेडिंग आप देख सकते हैं, पेज नंबर 55 पर दे रखी है ये थ्योरम, सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग वेक्टर मेथड। हेडिंग डालो सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल, सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, यानी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, यानी आप समझ रहे हैं, यानी जो ज्यामिति से संबंधित समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करना है, उनका निवारण करना है, उन्हें प्रूफ करना है, किसके हेल्प से, लिखा है बाय वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से ही हम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरी समस्या का समाधान है ना आप लोगों के, और उन, है ना, उनका नाम दीपांशु है, उनके सहयोग से हुआ, तो है ना, बाकी हम सभी समस्याओं का हल यहाँ पर किससे कर रहे हैं, वेक्टर मेथड से, ठीक है। चलो तो देखो इसमें पहली थ्योरम दे रखी है, साइन रूल आप जानते हो तो, है ना, तो हेडिंग डालो साइन रूल, यानी थ्योरम नंबर फर्स्ट है ये थ्योरम नंबर फर्स्ट, तो हेडिंग क्या है, साइन रूल। साइन रूल आपने पढ़ा होगा, देखो क्या होता है, क्या होता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ये वाला जो सी है ना, ये कैपिटल है और ऊपर स्मॉल है सब, है ना, क्योंकि ये भुजाएं हैं एज और ये एंगल्स हैं। देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कि एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, दिख रहा है ना आपको अच्छे से, हाँ अभी थोड़ा धुंधला चमक रहा है, अब चमकेगा, है ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बड़ी टेक्निकल समस्याएं भी होती हैं, ठीक है। चलो तो साइन रूल यहाँ तक समझ आया आपको, तो ध्यान देना, जैसे ट्राइंगल है तो इसका नाम है मान लो ए बी सी, ठीक है जी, और यहाँ पर जो एंगल होता है ए होता है, और यहाँ पर जो एंगल है वो बी है, और यहाँ पर एंगल सी है। तो आप एक बार देख के बताएं, एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो हो जाएगी वेक्टर ए, ठीक है। एंगल बी यहाँ पर रहेगा, एंगल बी के सामने वाली जो भुजा है वो हो जाएगी वेक्टर बी, और एंगल सी यहाँ पर रहता है तो एंगल सी के सामने वाली जो भुजा है वेक्टर सी हो जाएगी, ऐसे है ना, ठीक है। चलो और इसे आप थोड़ा आगे बढ़ा लें, तो आप देखें ये पूरा तो ए है ये वाला, तो जो इसे ऐसे बढ़ाओ बल्कि ऐसे, तो आप एक बार दिखाओ, देखो ये तो ए है, तो ये जो सारा है ये वाला, ये कितना बचेगा, आपको बताया पूरी लाइन का जो बनेगा वो तो 180 बनेगा पाई, लेकिन ये ए है तो ऊपर वाला कितना बचेगा, पाई माइनस ए, ऐसा मैंने एक बार और कराया था, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो पूरी लाइन का जो है, पूरी लाइन का वो तो पाई है,
लेकिन ये एंगल बी है, पॉइंट बी पर था ना ये, तो ये बी है, तो नीचे वाला कितना बचेगा, पाई माइनस बी, ठीक है जी। और इसी प्रकार पूरा तो सी है, लेकिन जब ये सी है तो बाहर वाला कितना बचेगा, पाई माइनस सी, ठीक है। इस तरीके से ये आपको बनाना है, प्रूफ में बनाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि ए क्या है, ए ये है पहली भुजा, बी ये वाली एज है भुजा, और सी ये वाली है। ए बी सी एंगल आपको पता है, जैसे मैं है ना दूसरे मार्कर से लिखूंगा, ये जो पॉइंट ए पर एंगल है, पॉइंट ए है ये, पॉइंट ए पर जो एंगल है वो कितना है ए, ठीक है। पॉइंट ए पर जो एंगल है वो ए है, क्लियर है। पॉइंट बी पर जो एंगल है ये बी है, और पॉइंट सी पर जो एंगल है वो सी है, क्लियर है। सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, तो मैंने बता दिया है ए क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या क्या है, और साइन के आगे जो एंगल्स हैं वे क्या क्या हैं, जो डायग्राम में सभी लिखे हुए हैं। लेकिन देखो प्रूफ करना है इसका, तो प्रूफ हेडिंग डालना और फिर आप इस डायग्राम को बनाना, ठीक है। तो यानी ये जो साइन रूल है आपको प्रूफ करना है बाय वेक्टर मेथड, लिखा है देखो, तो लिखना आप प्रूफ बाय वेक्टर मेथड साइन रूल, ऐसे करके लिखना, तो ये आपको प्रूफ करना है। और ये आपको याद भी रखना है, साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको यूज होगा। तो देखो ध्यान देना, यहाँ से डायग्राम से आप देखेंगे वेक्टर ए बी कितना है, वेक्टर ए बी है वेक्टर सी, वेक्टर ए बी कितना है वेक्टर सी, वेक्टर बी सी कितना है, वेक्टर बी सी है आपका वेक्टर ए, और वेक्टर सी ए कितना है, वेक्टर सी ए कितना है वेक्टर बी, ठीक है जी। तो ये सब बातें आपने लिख ली हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। देखो और मैंने बता रखा है ट्राइंगल के लिए, मैंने प्रूफ भी करके बताया था और बताया भी है कि तीनों भुजाओं का वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है तीनों एड्स का, इसका मतलब है वेक्टर ए, और ये थ्योरम मैंने कराई हुई थी, तीनों भुजाओं का जो सम है वेक्टर सम यानी सदिश योग वो कैसा होगा, जीरो। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, ये प्रूफ करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ वेक्टर ए से, तो ये जगह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इधर भी कर दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जीरो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाओ, अच्छे से देख पा रहे हैं ना, चलो तो डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे, यानी वितरण नियम कहते हैं आप हिंदी में। तो देखो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए भी जीरो हो जाएगा, आपको पता है किन्हीं दो सेम वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसे इधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, इसे छोड़ दो, तो ये बचेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, इसे पलट लो तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस फिर आएगा जब पलटेंगे तो प्लस आ जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। इसी प्रकार इसे दोबारा लो इसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर किसके है, जीरो के। अब वेक्टर ए से क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, अब वेक्टर बी से करो, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी क्रॉस जीरो। तो आप देखो वेक्टर बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है जी। वेक्टर बी क्रॉस ए इसे पलट लेंगे, लेकिन ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी रह जाएगा, एक कम करो इसे उधर ले जाओ, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये कितना हो गया, जीरो, ये जीरो हो गया, है ना, और ये ऐसा कैसे ही, और ये वाला उधर ले जाओ, तो क्या आएगा, माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसे पलट लो तो माइनस खत्म हो जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ तक, चलो इसे पलट लो तो वेक्टर खत्म हो जाएगा। ये बोर्ड हमने और थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको और अच्छे से दिखे, और हमने ही इसमें सारा काम किया है ना, ताकि हमारे कुछ आर्थिक है ना जो खर्चा है वो कम हो जाए, आप समझ रहे हैं, समस्याएं थी तो इसी कारण से थोड़ी कमियां भी हैं इसमें, बाकी हमने इसमें सारा काम किया है, ठीक है, चलो।
तो नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, है ना। कारपेंटर का भी काम सीख गए हम थोड़ा थोड़ा। देखो इसमें पलट दो क्या जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, पलट दो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, पलट दिया, माइनस खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है जी। आप देखो समीकरण एक व दो को बराबर रखेंगे, अब तो काफ़ी स्पेस है ना, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और देखो स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा था तो काफ़ी रिफ्लेक्शन वगैरह आता था, वहाँ बिल्कुल मन नहीं बन पाता था, है ना, आवाज़ गूंजती थी, सत्य मतलब बहुत समस्याएं थी, है ना। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण एक व दो को बराबर रखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव, ठीक है जी। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस बी इसके बराबर भी, वेक्टर ए क्रॉस बी इसके बराबर भी है, इसका मतलब है वेक्टर ए क्रॉस बी, ध्यान देना, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी के बराबर भी है, ठीक है, और वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर भी है, ठीक है। तो ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, ठीक है। बस अब क्या करना है, दोनों तरफ का मॉडुलस ले दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉडुलस, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी मॉडुलस, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए मॉडुलस, ठीक है जी। देखो मॉडुलस लेके आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है, एन कैप हट जाता है बस, तो क्या आएगा ए बी साइन थीटा, साइन थीटा मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल देखना है, तो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर ए ये रहा, और वेक्टर बी कहाँ है, ये रहा, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये लेना है पाई माइनस सी, ठीक है। वेक्टर ए बाहर को है ना और वेक्टर बी ऊपर को है, तो इन दोनों के बीच का एंगल पाई माइनस सी है, तो यहाँ क्या आएगा पाई माइनस सी, और बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, देखो देखो वेक्टर बी ऊपर को वेक्टर सी नीचे को, दोनों के बीच का एंगल ये पाई माइनस ए, तो हो जाएगा बी सी साइन पाई माइनस ए, बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, तो एंगल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल लेंगे पाई माइनस बी, तो ये जाएगा सी ए साइन पाई माइनस बी, ठीक है जी। अब देखो कुछ कुछ आ रहा है, आ जाएगा, देखो ए बी साइन 180 में से घटेगा, है ना, कौन से में पहुँचेगा, दूसरे में, भाई आपको पता है ना ये बात, चार कोऑर्डिनेट रहते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पहले में 0 से 90, दूसरे से 90 से, दूसरे में 90 से 180, तो 180 में से घट गया तो पहले में वो दूसरे में पहुंचा, है ना, क्योंकि 90 से 180 तक दूसरे में रहता है, और दूसरे में साइन कैसा रहता है, प्लस का, तो प्लस आएगा तो ये साइन सी हो जाएगा, और यहाँ देखो बी सी साइन सी हो जाए, वो ए हो जाएगा, है ना, 180 में से घट के प्लस का होता है तो प्लस रहेगा, और ये हो जाएगा सी ए साइन बी। तो अब क्या काम करो, ए बी सी से है ना भाग करने पर, डिवाइडिंग बाई ए बी सी लिख देना, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी से भाग करोगे तो बटे में सी आएगा, ए बी तो कट जाएगा, यहाँ देखो साइन ए बी सी कट जाएगा बटे में ए बचेगा, और यहाँ देखो साइन बी है ना ए सी ए कट जाएगा तो बी बचेगा। अब इसे थोड़ा अच्छे से लिख लो, अच्छे से क्या लिखना, देखो क्या आ जाएगा, इसके अनुसार लिख लो पलट के, या पलटने से पहले आप इनका क्रम लगा लो, क्रम कैसे लगाएंगे, या एक काम करो पहले पलट लो या पहले क्रम लगा लो, कैसे कर लो, तो पहले क्रम लगा लो, ए वाले पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा साइन ए अपोन स्मॉल ए, है ना, इस शैडो को भी कुछ करेंगे एक दो दिन में, इधर लाइट और लगाएंगे, तो देखो साइन ए अपोन ए, इधर के फिर बी वाला ले लो, साइन बी अपोन बी और साइन सी अपोन सी, ठीक है, क्लियर है। हालांकि देखो कुछ स्टूडेंट्स ने, है ना, केवल 3 स्टूडेंट्स ने थोड़ा हेल्प की, बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, मुझे नहीं पता कारण क्या रहा होगा, लेकिन वास्तविक रूप से मैं समस्या में था, है ना। चलो लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक हुआ अंततः और सब ठीक है, बाकी हम तो निस्वार्थ भाव से आपके लिए लगे हुए हैं, है ना। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये वाली लाइन है ना, इसके बाद ये वाली लाइन लिख देना, पलट दिया तो इस साइड को, है ना, इस साइड को पलट दिया और इस साइड को पलट दिया, ठीक है।
तो इसका मतलब है आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल से आपको अच्छे से वीडियोस मिलेंगी। क्लियर है, आज हमारा ज़्यादा समय ये सारी चीज़ें करने में चला गया, बोर्ड वगैरह लगाने में, है ना, काफ़ी व्यवस्थाएँ करने में, तो कल से हम उसी तरीके से बहुत अच्छे से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जितना हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में दें, और विशेष रूप से दीपांशु जी का आभार व्यक्त करें, इजोटी एजुकेशन चैनल पर जाकर उन्हें थैंक्स कहें, उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तो है ना, और भी अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।